उद्योग है जिससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की 70% आबादी उससे एंटरटेन होती है, उससे जुड़ी रहती है, बहुत बड़ा कारोबार भी होता है। विषय अलग अलग होते हैं। दिनेश लाल यादव अलग अलग विषयों को टच करने के लिए जाने जाते हैं। जब आप जैसा डायरेक्टर ऐसा सुंदर सब्जेक्ट लेके आए जहां लोगों का माथा पूरा, तो ये फिल्म जो है माथा घुमाने वाली फिल्म है। निश्चित रूप से अभी भी हम लोग देखते हैं कि एक समाज में बहुत परिपाटी है कि जिसको भी कला गायक है तो उसको वो पढ़ना भी नहीं चाहता, पढ़ने की उसकी। तो आप जैसे लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे। भाई अभी मैंने एक इंडियन एक्सप्रेस में एक मैंने आर्टिकल लिखा था, वो आर्टिकल इसी तरह का कला कला है। मैं समझता हूं ये फिल्म बहुत एक क्रांतिकारी फिल्म है। ये फिल्म क्रांतिकारी है। आप वैसा ही समझने वाले लोगों को एक चोट पहुंचाना चाहती है फिल्म, जिसे मुझे ट्रेलर से लगा। नाचने के शौक का होकर डांस नाचने कला बात, लेकिन ऊपर सबको विरोध करते कि अभिनय होकर किसे लाना है। तो आपने महाराज शब्द जोड़ के पूरे जितने हमारे शास्त्रीय संगीत के घराने हैं उनकी महत्ता को भी जोड़ा है और द बेस्ट। और काम इसमें तो वो तुम्हें लगा था तू बस तो दिल जीत ले बड़ा। तो दिनेश जी भी यहाँ पे हैं। दिनेश जी बहुत बड़ी कंपनी के ओनर हैं, म्यूजिक कंपनी के, और यहाँ हमारे कई सब बैठे हैं। थोड़ा सा मुझे आने में विलंब हो गया क्योंकि एक दो परेशानियां आ गई बीच में, और फिर जैसे निकल रहे थे तो हमारे कुछ गेस्ट आ गए, तो सब गेस्ट लोगों को लेकर के यहाँ आया है। तो आपको बहुत बधाई दिनेश जी, एक और माइक को जो संगीत और गीत की दुनिया में फैला सके। आज इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जल्दी फिल्म दिखाइए, अब तो बहुत प्यास बढ़ गई। तो हमें कला जगत को भी समर्थन करना है, हम तो उनके प्रतिनिधि हैं, हम संसद में आए हैं, तो इस देश के जो हमारी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है हमें उनके दुख दर्द परेशानी उसको समझना है, और हम लोग समझते रहेंगे और निश्चित रूप से गाली देने वाले लोग अपने मन से खराब। थैंक यू बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने बड़े भैया का, क्योंकि मैं जब कैलकाटा में पढ़ाई कर रहा था और भोजपुरी सिनेमा में अपनी माँ पिता जी के साथ देखा था तो मुझे बड़ा लगाव था अपने भोजपुरी सिनेमा से। पर एक समय ऐसा आया था जब भोजपुरी सिनेमा बनना बंद हो, फिर ईश्वर ने मौका दिया हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी को कि इन्होंने फिर से जीवन प्रदान किया भोजपुरी सिनेमा को, और इनके आने के बाद फिर से ससुरा बड़ा पैसा वाला आप सब जानते हैं, वहां से एक बार फिर से भोजपुरी सिनेमा को एक नया जीवन मिला और फिल्में बननी शुरू हुई। लेकिन फिर बीच में बहुत सारी साजिश हुई भोजपुरी सिनेमा के खिलाफ, और 10-10, 20-20 करोड़ रुपए लेके लोग वहां बैठे हैं जो ऐसे गानों को प्रमोट करते हैं जो लोग दुनिया ये समझे कि यही भोजपुरी सिनेमा है।